हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवर्स हेयर। आज बहुत ही प्यारा दिन है, मैंने लाल रंग के कपड़े भी पहने हुए हैं और बहुत प्यारा दिन है। आज अष्टमी है और एक अजीब सी खुशी मन में होती है। हम लोगों के व्रत आज ख़त्म हो जाते हैं, मतलब खुशी इस बात की नहीं होती कि व्रत ख़त्म हो जाते हैं, बेसिकली खुशी इस बात की होती है कि हमने शुद्ध तरीके से अपने 8 दिन घर में बिताए। और इस बार तो सारे व्रत, मतलब मेरे हस्बैंड ने और माधव ने भी रखे, तो इस बार तो घर में बहुत ही एक अलग सा जो है शुद्धता का वातावरण रहा। और आज हम लोग उसका मतलब एक तरीके से समापन करने वाले हैं। कंजिकाएं घर में आने वाली हैं। आज मेरा मन हुआ कि मैं माधव से कहूँ कि व्लॉग बनाए, लेकिन वो अपनी लॉन्ग वीडियो में बिजी है, राष्ट्रीय अपने कॉलेज में बिजी है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं आज अपना व्लॉग शुरू करके देखूँ। करना ही चाहिए, बीच में बोलना और एक व्लॉग को खुद से हैंडल करना, तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। बस अभी मैं प्रसाद की तैयारी करूँगी, फिर कंजके बुला के लाने हैं हमें, और अभी राज को उठाती हूँ तो सो के ही नहीं उठाए, जबकि 9 बज गए। रात को मैंने उसे बोला था कि टाइम से सो जाना और सुबह लड़कियों को तुम्हें लेके आना है बुला के। तो मैं आज का दिन दिखाती हूँ, मैं प्रसाद बनाती हूँ, लड़कियों को बुलाती हूँ अभी, और सारा दिन आज अपना मैं खुद से दिखाने वाली हूँ। हालाँकि आज बहुत ज़्यादा बिजी डे है, आज हमारे एक मतलब क्लोज फ्रेंड्स में आज उनके यहाँ लेडी संगीत है और मुझे पार्लर भी जाना है, बैंक भी जाना है, बहुत सारे काम है। तो मैं आज धीरे धीरे आपको अपना पूरा दिन दिखाती हूँ, स्टे ट्यून। चलती हूँ राज को उठाने। और ये हमारी गीता, गीता तूने आते आटा मलना शुरू कर दिया। हेलो करो, जय माता दी बोलो सबको। जय माता दी। मैं राज को उठाने जा रही हूँ। आई लड्डू माता, तू उठ गया? ब्लैंक हो रहा है, ब्लैंक। हेलो गाइस, क्या आप व्लॉग बना रहे हो? हाँ, आज मैं बना के देख रही हूँ, लेकिन तेरे को मेरे हेल्प करनी पड़ेगी सारा दिन, ठीक है? चलो गाइस, आज मम्मी बनाएगी व्लॉग और मम्मी की पूरा दिन हेल्प करूंगा। तू कब से उठा हुआ है? तू आज आंखों से तो बड़ा फ्रेश लग रहा है। तू तो बड़ा फ्रेश लग रहा है, मैंने उठाया भी नहीं तुझे आज। तू लगता है रात भर सोया ही नहीं है, क्या कर रहा था? मैं सोता ही नहीं हूँ आज। अच्छा, इसके भी 8 दिन से व्रत है। देखो बच्चे का मुँह कैसे छोटा सा हो गया, इसने कुछ नहीं खाया 7-8 दिन से। छोटा हो गया? हाँ, ठीक है। वैसे तो हेयर कट भी करा लिया तूने, इसलिए और छोटा लग रहा है। चल तो तैयार हो जा फटाफट से। आजकल सुबह सुबह क्या लगता है नया दिन ऐसा बैठा? हाँ। माता का दिन है तो इन्हें लाल पहनना पसंद। मैं हमेशा लाल ही पहनती हूँ। हाँ, वैसे तो इस बार हमने पूरे 8 के 8 दिन जो भी देवियों के कलर होते हैं हमने उनको फॉलो किया। जिस दिन व्हाइट था, जिस दिन ग्रे था, जिस दिन ब्लू था, जिस दिन ग्रीन था, हमने सारे दिन फॉलो किए। लेकिन आज इन्होंने तो पिंक डे फॉलो किया, लेकिन मैं इस वीक में हमेशा लाल रंग के ही कपड़े पहनती हूँ। बस अब हम शुरू करते हैं अपनी तैयारी आज के दिन की, और मैं किचन में जाती हूँ और धीरे धीरे जो होता रहेगा मैं दिखाती रहूंगी आपको। आज हमें खाना मिलेगा। आज खाना मिलेगा। हाँ भाई, व्लॉगर क्या कर रहे हो? व्लॉगर खाना ही बना रहा है भाई, प्रसाद बना रहे हूँ। तो और छोले में भी आप अलग से तड़का तड़का कुछ डाल। जब भी आएंगी कंजके मैं उनको बिना खिलाए मैं नहीं भेजूंगी उनको। हाँ, अरे पता है मम्मी क्या करती है? जैसे मान लो वो बैठे होते हैं ना वहाँ पे, तो पूरा तो बस गिफ्ट की लगी रहती है, लेकिन मम्मी मेरे कहती है पहले ये खाओ उसके बाद गिफ्ट मिलेंगे। मैं इतने गिफ्ट दिखाती भी नहीं हूँ। पहले इन्हें पूरा खत्म करो। पता है क्या बात है कि बचपन में ना हमारी अपनी कॉलोनी में जब हम छोटे थे ना, तो एक आंटी, वो वाली आंटी थी जो बहुत अच्छा गिफ्ट देती थी, बहुत अच्छे पैसे देती थी, तो हम लोगों को ये इच्छा रहती थी कि बस वो आंटी बुला ले हमें, बस वो आंटी बुला ले हमें। लेकिन लेकिन अब वो आंटी आप हो। मैं अपनी कॉलोनी की वही आंटी बनना चाहती हूँ। और मतलब मैं यार बच्चे एक्साइटेड होते हैं यहाँ आने के लिए। और मैं आज आपको गिफ्ट दिखाऊंगी बच्चों के लिए क्या लाई हूँ, बहुत प्यार से लाई हूँ मैं। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर गाइस, हम आपको दिखाएंगे मम्मी क्या लाई है, लेट्स गो। और ये मेरी सूजी भुन चुकी है, लेकिन अभी कसर है इसमें बाकी। पूजा की तैयारी, इन्हें बहुत शौक है। ये देखो तोड़ तोड़ के रख रहे हैं। मैं यहाँ पे हलवे की खुशबू ले रहा हूँ। हलवा और चने, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत बढ़िया लगता है। हर कंजक से पहले मैं अपनी मम्मी को फोन करती हूँ सुबह ही, मम्मी कितना हलवे में कितनी चीनी डलेगी, कितना पानी डलेगा। और जैसे अब मुझे याद हो गया कितना डलता है, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरे फोन का वेट करती है कि निक्की का फोन आएगा, वो मेरे से पूछेगी कितना पानी डलेगा, तो मुझे अब जबरदस्ती पूछना पड़ता है, जबकि मुझे पता चलेगा कितना डलता है। लेकिन अपनी मम्मी की खुशी के लिए मैं फिर भी सुबह फोन जरूर करती हूँ, मम्मी बता दो कितना पानी डलेगा। मेरी मम्मी खुश होती है कि अभी भी हम बच्चे हैं, हमें आता नहीं है, लेकिन मुझे आता है अब। और मेरे छोले बन चुके हैं,
दीदी को और मैंने हलवा पैक करके रख दिया। अब मेरा थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, मुझे वो पूरा करना है। पार्ट करने के बाद मैं अपने कंज के शुरू करूंगी। बस मैं पार्ट कर रही हूँ और पार्ट के बाद तू अपना काम शुरू कर ले, ठीक है? और प्यार से, मेरा काम क्या? प्यार से लड़कियाँ लेके आनी है, ठीक है? प्यार से ठीक है। घर देखता हूँ किसमें है, फिर तुम्हें दिखाऊंगा शक्लें सबकी जो जो भी होंगी। लेट्स गो। हेलो, लेट्स गो, आ जाओ गाइस, मीट पूजा दीदी। चलो आ जाओ। और ये हमारा पड़ोस है, बेसिकली ये हमारा घर है जो भी बन रहा है नया, और यहाँ पर ये लड़कियाँ हैं। चलो गाइस, हेलो भैया, हाय, सारे आ जाओ, चलो लेट्स गो। Guys, we are back. चलो। क्या आपने मेरे को वीडियो में देखा है? ये भी वीडियो बन रही है, इसको भी हाय कह दो। नहीं मतलब कंजक तो ठीक है, ये इतने बड़े बड़े घोड़े क्यों आए हैं भाई? घोड़े ही आए हैं भाई। हेलो, बाय बाय। इस बार एक चीज बहुत अलग थी, इस बार मम्मी ने, पापा ने और मैंने तीनों ने नवरात्रे सारे के सारे रखे हैं, तो आज ये खाने का जो मजा है ना वो मेरे को तो अलग ही आएगा। मम्मी तो हर साल रखती है तो मम्मी को तो क्या ही है। आज एक हफ्ता हो गया तो पुट्टू और वो खाते हुए क्या कहते हैं साबुदाना, और आज ये हमें मिलेगा। मतलब मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है ये, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट हर बार ना ऐसा होता है कि हर दिन खा रहा होता हूँ कुछ कुछ, तो आज ये खा लिया। लेकिन इन लोगों के व्रत रखने के चक्कर में ना तीन तीन टाइम कुछ भी बनता रहा, इन्हें काम करना होता है, ये भूखे रह नहीं सकते। बार बार निकी मुझे भूख लग रही है, अन्न तो नहीं खाया ना, अन्न नहीं खाया हमने। और ये मेरी दूसरी ड्यूटी, मेरा अपना घर जो बन रहा है, हालांकि हमें बहुत जल्दी इसमें शिफ्ट होना है, लेकिन पता नहीं कैसे शिफ्ट होंगे। सबको लगता है उठा उठा के भारी फेंकना पड़ेगा, ये भी देखो सब जगह काम ही चल रहा है, अभी तक साइड देख के कोई कह ही नहीं सकता कि हम तीन चार दिन में यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। शिफ्ट नहीं होंगे, खैर पूजन कराएंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि दो तीन दिन सो के हमें लगता है अपने पुराने घर में सोना पड़ेगा। अपनी पूजा पाठ निपटाने के बाद मेरी सेकेंड ड्यूटी यहाँ की है, इसके बाद अभी पूरा दिन मेरा बहुत बिजी है। ये राज का रूम था, ऊपरी खाना नहीं था अभी, लेकिन मेरा यहाँ मन बहुत लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे। एक एक चीज़ यहाँ बनती है, एक एक चीज़ निखर के आती है, तो बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ पे। आधा दिन मेरी ड्यूटी यहीं होती है, हालांकि तीन चार घंटे में यहीं रहती हूँ, फिर रात को मन नहीं लगता, मैं फिर रात को घूमने चली आती हूँ, देखती हूँ रात में कैसा लग रहा है घर। तू अगेन खेल ही रहा है भाई साहब, ये लड़का नहीं थकेगा। मैंने उनको भेजा, बहुत काम किया है इसने पीछे से, लेकिन ये मेरे सामने कभी काम नहीं करता है ना। ऐसी बात नहीं है, मोटू देखो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, थोड़े तो मजे लूंगा जीवन के, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा ले। लॉन्ग फॉर्म बना चुका हूँ मैं, कब आ रही है तेरा लॉन्ग फॉर्म पहले आएगा, मेरा व्लॉग पहले आएगा? आपका व्लॉग पहले आएगा। यस, लेकिन बल्लू हो रहा है एकदम प्रोफेशनल ब्लॉगर। अरे मजा आ रहा है पूरा का पूरा। और अब थोड़ी देर ना पूरी आंखें की नींद आ रही है, देखो मेरी आंखें कैसी बोझिल सी हो रही हैं। थोड़ी देर सोने के लिए मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। माधव को बुलाऊंगी, मेरे पैर दबाएगा, तब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। जैसे इसको मौका मिलता है टाइपिंग शुरू कर देता है। मम्मी मेल लिख रहा हूं यार। हां तो टाइपिंग का मतलब, मैंने टाइपिंग कहा, मैंने ये थोड़ी ना कहा है, मेल भी तो टाइप करके लिख रहा है। गुस्सा देखो गुस्सा, मैंने कब कहा तू अपनी गर्लफ्रेंड को टाइपिंग कर रहा है। और अगेन हम फिर से साइट पे, बार बार जैसे घर जाते हैं वहीं से फोन आ जाता है, आ जाओ मैडम, ये देख लो वो देख लो। ऐसे सोते सोते उठ के मुझे आना पड़ा, अभी वो जो स्क्रिप्ट करने वाले थे वो वहीं छूट गई,
और आज इनको मैंने पकड़ के यहीं रखा हुआ अपने साथ। मैं मर्जी से नहीं, यहाँ कहीं जाओ, ये बार बार सोने घर भाग जाते हैं, तो देख तो रही है वहाँ पे। नहीं नहीं, इन्होंने इन्होंने एक ही बात पकड़ रखी है। जैसे मैं कहती हूँ, इन्होंने कहा आप रुकते क्यों नहीं वहाँ पे, कह रहे मेरे को इतना पता नहीं चलता ना चीजों का, तू देख लेती है ठीक से, तेरी चलती है घर में, देखो सबके काम बैठे हैं। ये घर का ये सब आर्किटेक्चर, ये सब इंटीरियर इसको पता होता है, वैसे वैसे का हिसाब मैं देखता हूँ। हाँ, बहुत बड़ा हिसाब है पैसे का, वही गड़बड़ कर देते हैं। परसों एटीएम खो के आ गए। बताया था शाम को मैं पार्टी में भी जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है, तैयार होना है। पार्लर तो छूट ही गया मेरा, जिसका मैंने सुबह से हल्ला काटा हुआ है। मुझे पार्लर जाना है वो नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही सुंदर हूँ, पार्लर जाने की जरूरत क्या है मुझे, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो हेलो, और रात के बज चुके हैं 8:15, और अब आज का हमारा लास्ट और मोस्ट एक्साइटिंग जो काम है वो है कि आज जो मैंने बताया था मेरी फ्रेंड की जो बेटे हैं उनकी आज मेहंदी है, हम वहाँ पे जाने के लिए अब रेडी होने के लिए रेडी हैं। तो अब जो माधव के पापा हैं वो अपनी शेव शुभ कर रहे हैं, जो कि लड़कों का मुझे लगता है एनवायरमेंट पे यही काम होता है। मैंने अपना सूट प्रेस किया, इनकी शर्ट प्रेस की, और इसके बाद हम लोग रेडी होके वहाँ पहुँचेंगे। रेडी होके मैं आपको एक बार दिखाती हूँ हम दोनों मेहंदी के लिए कैसे आउटफिट में रेडी हुए हैं, और बहुत खुश हैं। वहाँ मेहंदी लगेगी और डांस वांस होगा, खूब मौज मस्ती आएगी। तो मैं आज अपने सब फ्रेंड्स को आपको एक एक बार दिखाऊंगी, और थोड़ी सी मौज मस्ती भी दिखाऊंगी अगर मैं डांस करूंगी या कुछ भी, तो जो कि मुझे बहुत पसंद है करना। और इसके बाद आज का व्लॉग हम एंड कर देंगे, तो मिलते हैं रेडी होने के बाद। बाय बाय। मेरा आउटफिट मेहंदी का कुछ कुछ ग्रीन, आ जाओ। और इन्होंने ये ग्रीन कलर की शर्ट विद वाइट पहनी है। हाँ, मैंने 5 मिनट में पहनी है, 5 मिनट में मैं तैयार हो गया था। मैंने 10 मिनट लिए? नहीं, मैं 1 घंटे से इन्हें देख रहा हूँ। मैंने हर 10 मिनट के बाद यही बोला ना, मैं 10 मिनट में आ गई। आपकी ज्वेलरी नहीं मिलती, कभी आपका सूट। तो लड़कियों की चीजें इतनी होती है, लड़कों ने क्या पहनना होता है, कुछ भी नहीं, एक शर्ट पहनी और चल दिए। एक घड़ी पहनी है मैंने। हाँ ठीक है, सारी ऑर्नामेंट ज्वेलरी होती है लड़कियों की, हम क्या करें। हम सब लोग ना एक्चुअली बहुत मजे करते हैं। अभी मैं दिखाने वाली हूँ सबको, साइलेंटली सब कुछ कैप्चर करूंगी और सबके डांस दिखाऊंगी, मजे दिखाऊंगी। नहीं लगवाई, मुझे लग रहा है जैसे मैं बाउंड हो जाऊंगी, और मैं भैया मजे कैसे ले पाऊंगी। फाइनली ये मेरे को पकड़ के जाइए, मैं मेहंदी लगवाने वाली हूँ। और ये हम घर घुसे हैं, तो ये लाडी प्रकाश बाहर से 12:30 बजे खाना ऑर्डर कर रहा है, और मैंने पूछा क्यों। मेरा मैच है भाई आज फुटबॉल का, मैंने उसके साथ देखते हुए खाना है यार, 12:30 बजे तो करूंगा। ठीक है, चल आज व्लॉग इन करते हैं। आज मैंने सफलता पूर्वक इस व्लॉग को अंजाम दिया शायद। चलो दरवाजा खोलो, चलो एंड करवाओ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, जो कि इतनी एंड तक आ गए हो, तो पसंद आया ही होगा, जो कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, इतनी हिम्मत करके बनाया है, और मैंने बहुत मेहनत करी है गाइस। हाँ। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।